नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादिज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार युवा मामले में एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि देश में 7.5 करोड़ ईपीएफओ के लाभार्थी हैं और 70 लाख पेंशनर हैं जो लेबर इंडस्ट्री में काम कर ईपीएफओ कटवाते हैं, तो उससे उन्हें जरूर वक्त में सहूलियत मिलती है। ईपीएफओ से जुड़ने वाले नए युवाओं के लिए इस बजट में ईएलआई यानी रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम लाई गई है। नए युवा जो ईपीएफओ से जुड़ रहे हैं उन सरकार की ओर से 1 सैलरी यानी 15,000 रुपये उसे खाते से इसके लिए और बाकी विषयों के लिए आज हैदराबाद ईपीएफओ ऑफिस में विस्तृत चर्चा हुई। देश में 7.5 करोड़ ईपीएफओ के लाभार्थी है और 77 लाख पेंशनर है जो लेबर इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, अपना ईपीएफओ कटवाते हैं और ये ईपीएफओ से उसको पेंशन भी मिलता है और उसकी बचत होती है। उसमें से जब आवश्यकता होती है तब बेटे की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, जब घर में कोई बीमारी हो, ये सब के लिए उसको पैसा भी मिलता है। ऐसी स्थिति में उसको सरलता रहे, ईपीएफओ में उसका कामकाज विशेष सरल बने और जो नए ईपीएफओ में जुड़ रहे हैं इससे यंग एम्प्लॉयर्स को उसका अच्छी तरह से लाभ मिल सके, उसके लिए इस बजट में ईएलआई यानी कि एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव योजना स्कीम डिक्लेयर करा है। उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से हो, नए यूथ जो ईपीएफओ में जुड़ रहे हैं उसको सरकार की ओर से 1 सैलरी यानी कि 15,000 रुपया उसको अकाउंट में मिले, उसके लिए आईटी प्लेटफॉर्म को चैनलाइज करके व्यवस्था खड़ी करनी हो, ये सारे विषय के लिए आज हैदराबाद ईपीएफओ ऑफिस में डिटेल डिस्कशन हुआ है, गाइडेंस दिया गया ताकि मेरे तेलंगाना में ईपीएफओ लाभार्थी को कामकाज में सरलता रहे और उसकी सुविधा और उसके मिलने वाले लाभ उसको अच्छी तरह से मिले। डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत कपूर ने कहा कि साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। इसे निपटने के लिए हमने पिछले साल एक कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत हमारे जिले में साइबर थाने में 1930 हेल्पलाइन पर पहले 12 पुलिसकर्मी तैनात हुआ करते थे, अब 6 गुना अधिक बढ़ाया गया है। ठगी के मामलों में हम 30% तक रोकने में सक्षम हुए हैं। 2023 में 5,000 से ज़्यादा साइबर क्रिमिनल हिरासत में लिए गए। 2024 में पहले 8 महीनों में 3100 से अधिक हो गए हैं। औसतन 12 अपराधी हर दिन पकड़े जा रहे हैं। बैंकों के साथ बड़ा कोऑर्डिनेशन किया गया है। इस साल पहले 8 महीने में 802 करोड़ की ठगी हुई, जिसमें 231 करोड़ रुपये रोकने का या बरामद करने में पुलिस कामयाब हुई। साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी चुनौती बन करके उभरा है और इससे निपटने के लिए हमने पिछले साल एक बहुत बड़ी कार्य योजना तैयार की। इसके तहत हमारे हर जिले में साइबर थाने खोले गए हैं, 29 साइबर पुलिस स्टेशन हैं हरियाणा में और जो 1930 हेल्पलाइन है जो एक राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन है इस पे 12 पुलिसकर्मी तैनात थे जिनको संख्या 6 गुना बढ़ा करके हमने 70 की और जो हमारी होल्ड परसेंटेज पहले जो ठगी होती थी उसका करीब करीब 8 से 10% पैसा ही रोक पाने में सक्षम थे हम, ये अमाउंट बढ़कर के अब 30% से भी ज्यादा हो गया है। तो ये बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए गृह मंत्रालय ने, माननीय गृह मंत्री जी ने 10 सितंबर को हरियाणा स्टेट को सम्मानित किया 1930 हेल्पलाइन और साइबर क्राइम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए। ऐसा देखने में आ रहा है कि साइबर अपराधी अलग अलग राज्य और विदेशों में बैठकर साइबर फ्रॉड करते हैं, ऐसे में रहना पुलिस उन पर कार्रवाई। 2023 की अगर बात करें तो करीब 5,000 से भी ज्यादा साइबर क्रिमिनल्स अरेस्ट किए हरियाणा पुलिस ने और जो 2024 के पहले 8 महीने हैं इसमें यह संख्या 3100 से भी ज्यादा हो चुकी है। औसतन हम 12 अपराधी प्रतिदिन
पकड़ते हैं और ये संख्या बढ़ रही है। जुलाई महीने में ये संख्या बढ़ के 16 अपराधी प्रतिदिन हो गई। तो इस पे और हमारी फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा साइबर क्रिमिनल्स को हम पकड़ें, और साथ साथ बैंकों के साथ एक बड़ा कोऑर्डिनेशन हमने किया है, सभी बैंकों के साथ मीटिंग्स की, और अब 10 बड़े बैंकों के 15 नोडल अधिकारी हमारी 1930 की जो टीम है हमारे कंट्रोल रूम में, वहां एक छत के नीचे बैठते हैं और वो सब मिलकर के जो ठगी की कंप्लेंट्स आती हैं उनको दर्ज करते हैं और उनपे तुरंत कार्रवाई करके पैसे को जल्दी से जल्दी ब्लॉक करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो अमाउंट है ठगी का अमाउंट जो पहले 8 महीने में इस साल हुआ, वो 802 करोड़ की ठगी, कुल 104,000 कंप्लेंट जो आई उनमें ये अमाउंट था, जिनमें से 231 करोड़ रुपया रोकने में या बरामद करने में पुलिस कामयाब रही। तो ये संख्या, ये अमाउंट पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4 गुना है। तो गिरफ्तारियां भी बढ़ी हैं और बरामदगी का जो अमाउंट है वो भी बढ़ा है, और जो पैसा ब्लॉक करने का काम है वो बहुत तत्परता से किया जाता है, और जो कंप्लेंट्स हमारे पास 6 घंटे के अंदर आ जाती हैं उनमें जो ब्लॉक करने की दर है वो 70% तक पहुंच गई है, तो जो एक अच्छा साइन है। और इसी के लिए गृह मंत्रालय ने हरियाणा प्रदेश को अभी चुना, 10 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर पर फंक्शन हुआ, वहां पे हमें सम्मानित किया गया। जाली सिम का प्रयोग एक बहुत बड़ी समस्या है, न केवल साइबर क्राइम्स में बल्कि बाकी क्राइम्स में भी, और इसका एक बड़ा सॉल्यूशन अब हमारे नए टेलीकॉम एक्ट में आया है, वहां पे आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। अब उसमें हमने टेलीकॉम कंपनियों से अनुरोध किया है कि वो जल्दी से जल्दी आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन को अपनाएं, और जो टेलीकॉम एक्ट में जो ऑथराइजेशन मिली है उसका लाभ उठा करके हम ये जाली दस्तावेजों पर जो सिम कार्ड जारी किए जाते हैं उसको बंद करें। सर, इसके पीछे जो देखिए पैसा है, लालच है, और ये आसान पैसा है, दूर बैठ के क्राइम करते हैं, विदेशों में भी बैठ के क्राइम करते हैं, तो इसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, तो कोई पकड़े जाने का खतरा भी कम हो जाता है काफी। तो ये बड़ी तादाद में साइबर क्राइम पूरी दुनिया में चल रहा है, तो इसको हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। साइबर क्रिमिनल दो इमोशंस पे प्ले करता है, या तो लालच या डर। तो लालच वो दिखाता है कि आपके पैसे बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे, आप शेयर में इन्वेस्ट करें हमारे कहने से तो आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा, या डर दिखाता है कि आपका कोई पार्सल पकड़ा गया जिसमें आपका आधार कार्ड मिल गया है, ड्रग्स मिली हैं, या आपकी कोई कहीं पे मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई है रिजर्व बैंक में या सीबीआई में या क्राइम ब्रांच में या ईडी में। तो इन एजेंसियों का भय दिखा करके डिजिटल अरेस्ट की बात करते हैं, तो ऐसा कोई डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी किसी भी व्यक्ति को पकड़ने जाती है तो डिजिटली उसको नहीं पकड़ती, फिजिकली ही पकड़ती है। अगर पकड़ना है कोई अपराध करेगा तो उसके घर ही आएंगे। कोई भी फोन करके अगर भय दिखाता है और ये कहता है कि आप पैसे ट्रांसफर कीजिए इलेक्ट्रॉनिकली अकाउंट में, तो मान के चलें कि वो ठग है। ऐसे लोगों को हमने पैसे नहीं देने, और जो इस तरीके की कॉल आती है उसको आप तुरंत उस नंबर को 1930 पे, जहां भी आप हैं 1930 पे फोन करें, अपने मोबाइल से करें या लैंडलाइन से करें, 1930 पे फोन करके, और अगर 1930 भूल जाते हैं तो 112 पे कर दें। 112 आपको ध्यान रहेगा, आसान संख्या है, तो 1930 या 112 पे फोन करके वो फोन नंबर बताएं ताकि उनको जल्दी से जल्दी ब्लॉक किया जा सके। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों का फेट ऑफ फिश ऑयल की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने बताया कि मंदिर में इस तरह आस्था का खिलवाड़ कैसे हुआ, साथ ही उन्होंने इस संबंध में कैबिनेट से बात करने की बात कही है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर बोलते हुए कहा कि उनको आदत है, वो अजीब अंदाज में बात करती है। उनको मैं कहना चाहता हूं कि हम एनडीए के साथ जरूर थे, लेकिन बीजेपी को कभी जम्मू कश्मीर में कभी एंट्री करने नहीं दी। हम एनडीए के हिस्से जरूर रहे, लेकिन हमने बीजेपी को कभी जम्मू कश्मीर में एंट्री करने नहीं दी। बीजेपी की कोशिश है कि यहाँ एक हांग असेंबली रहे और यहाँ गवर्नर रूल जो है वो कायम रहे। उनकी ये कोशिश है कि यहाँ किसी ना किसी तरह कोई जो क्लियर रिजल्ट ना आए, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट को कहे कि ना हमने तो इलेक्शन कराए, अब अगर यहाँ किसी को मैंडेट नहीं मिला तो इसमें हमारी क्या खता है। महबूबा मुफ्ती साहब को आदत है, वो मतलब अजीब अंदाज में तकरीर करती हैं,
महबूबा मुफ्ती साहिबा को तो पहले मैं इस चीज का याद दिलाऊं कि हम एनडीए के हिस्से जरूर रहे, लेकिन हमने बीजेपी को कभी जम्मू कश्मीर में एंट्री करने नहीं दी। हम एनडीए में रह के भी हमने जम्मू की पार्लियामेंट सीट जो है बीजेपी से छीनी थी, हमने उनको जम्मू का पार्लियामेंट सीट जीतने नहीं दिया। कश्मीर तो दूर की बात, बीजेपी को लाने वाले जम्मू कश्मीर के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कौन है। बदकिस्मती से महबूबा मुफ्ती को बजाय ये कि वो लोगों से 2014-15 की माफी मांगे, वो अपने गुनाहों को जो है वो हमारे जिम्मे ठहराने की कोशिश कर रही है। पार्लियामेंट के नतीजे शायद उनको अभी तक भूले नहीं। वजीर आजम साहब को अब जम्मू कश्मीर आके कोई नई बात करनी चाहिए। लोग अब ये तीन खानदान सुन के थक गए हैं। कोई तो नया डायलॉग आए, कोई नई बात हो, कोई ऐसी बात जो जम्मू कश्मीर के लिए ठीक रहे। ये तीन खानदान जो है ये हम हर इलेक्शन में सुनते हैं, लोग भी अब इन बातों को सुन के थक गए हैं। सर, जैसे इंडिपेंडेंस की एंट्री है या जमात बाद कैंडिडेट्स है, डू यू हैव अप्रेंशंस ऑफ आवर फ्रंट असेंबली हियर? मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के जो वोटर हैं वो इससे कई गुना ज्यादा समझदार है। बीजेपी की कोशिश है कि यहाँ एक हांग असेंबली रहे और यहाँ गवर्नर रूल जो है वो कायम रहे। उनकी ये कोशिश है कि यहाँ किसी ना किसी तरह कोई जो क्लियर रिजल्ट ना आए और फिर वो सुप्रीम कोर्ट को कहे कि ना हमने तो इलेक्शन कराए, अब अगर यहाँ किसी को मैंडेट नहीं मिला तो इसमें हमारी क्या खता है, और वो यहाँ गवर्नर रूल को जो है हमेशा के लिए जारी रखेंगे। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग इस साजिश को समझ गए हैं और वो इस साजिश को कामयाब। अखिलेश यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी चाहती है वन नेशन वन इलेक्शन, उसके साथ वन डोनेशन एक बार डोनेशन मिल जाए वो ठीक है। बीजेपी चुनाव आयोग को भी आउटसोर्स करना चाहती है। वन नेशन वन इलेक्शन बहुत बड़ी साजिश है लोकतंत्र को खत्म करने की। वन नेशन वन इलेक्शन, उसके साथ साथ बीजेपी चाहती है वन डोनेशन, एक ही बार डोनेशन मिल जाए और ठीक है। एक दिन भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि अब चुनाव की जरूरत क्या है, 5 साल में एक बार चुनाव होना है, बाकी दिनों हम क्यों चुनाव के कर्मचारियों को अधिकारियों को वेतन दें। वन नेशन वन इलेक्शन बहुत बड़ी साजिश है लोकतंत्र को खत्म करने की और चुनाव आयोग को खत्म करने की, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव आयोग में भी उनके ही लोग बैठ जाएं। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन, उसके साथ साथ बीजेपी चाहती है वन डोनेशन, एक ही बार डोनेशन मिल जाए और ठीक है। और जिस तरीके से सरकारी विभाग आउटसोर्स हो गए हैं, नौकरियां आउटसोर्स हैं, आप देख लेना एक दिन भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि अब चुनावों की जरूरत क्या है, 5 साल में एक बार चुनाव होना है, बाकी दिनों हम क्यों चुनावों के कर्मचारियों को अधिकारियों को वेतन दें। तो ये चुनाव आयोग को भी आउटसोर्स करना चाहते हैं। आप जानकारी कर लेना, ये जितने BLO हैं ये सब आउटसोर्स हैं, इलेक्शन कमीशन के तमाम इंजीनियर अधिकारी आउटसोर्स होते हैं। ये वन नेशन वन इलेक्शन बहुत बड़ी साजिश है लोकतंत्र को खत्म करने की और चुनाव आयोग को खत्म करने की, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव आयोग में भी उनके ही लोग बैठ जाएं। जब ठेके पे लोग ले जाएंगे, आउटसोर्स पे लोग ले जाएंगे, तो बीजेपी अपने लोग को एडजस्ट कर लेगी, अपने लोगों को बैठा देगी। सोचिए अगर इलेक्शन कमीशन में भी वन नेशन वन इलेक्शन के बहाने अपने लोगों को बैठा देगी तो कितना फेयर इलेक्शन होगा। और फिर ये वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन तो ये एक बहाना है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि महिला आरक्षण लागू होने वाला है, बहुत प्रचार किया गया, बहुत ढोल बजाए गए, बताओ महिला आरक्षण कहाँ है। इस सबसे जरूरी है कि हमारी आपकी जातिगत जनगणना हो जाए, जाति के आधार पर जनगणना हो जाए, जिससे हर एक को पता लग जाए कि हमारे समाज में आबादी कितनी है, और सरकार इस काम करने में कामयाब हो जाए कि आबादी के हिसाब से उन्हें समझ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 सितंबर को कार्ड लीडर समिट में भाग लेने के लिए अमेरिका रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका में रहेंगे। इस दौरान वे कार्ड समिट में हिस्सा लेंगे और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कार्ड 4 देशों ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक कूटनीतिक साझेदारी।
संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 के 20वें संस्करण में भारतीय और अमेरिकी सेना ने जवानों ने भाग लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल में सुधार करना है। दोनों पक्षों के 1200 से अधिक सैनिक राजस्थान के चुनौतीपूर्ण इलाके में कठोर आतंकवाद विरोधी अभ्यास से गुजर रहे हैं। दिल्ली में शनिवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही आतिशी ने उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन को महंगा किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि अरविंद केजरीवाल को दोबारा दिल्ली का सीएम नहीं बनाया गया तो ऐसा ही हाल राजधानी में भी होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी लोगों को नोएडा ग्रेटर नोएडा की तरह लंबे पावर कट लगेंगे और कीमत भी अधिक चुकानी होगी। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ के जवानों से भरी एक बस खाई में गिर गई है। जम्मू कश्मीर के बरगाम में यह हादसा हुआ है। बीएसएफ की बस खाई में गिरने से 3 जवान शहीद हो गए हैं जबकि 32 जवानों के घायल होने की खबर है। घायलों में से कई जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हाल ही में लेबनान में वॉकी टॉकी और पेजर विस्फोटकों में बदल गए जिससे लेबनान में कई लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद लेबनान में कोहराम मच गया। इस हमले में करीब 37 लोगों की मौत हो गई है और 3000 लोग घायल हुए हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह का भी कुछ हो सकता है। इन विस्फोटकों पर इसराइल ने चुप्पी साधी हुई है लेकिन इन धमाकों के बाद इसराइल और हिजबुल्ला की लड़ाई एक व्यापक स्तर पर बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। इसकी ताजा बानगी है हिजबुल्ला की इसराइल पर एयर स्ट्राइक। जी हाँ, देश में एक के बाद एक हुई इन कई धमाकों के बाद हिजबुल्ला आग बबूला हो गया है और उसने इसराइल पर ताबड़तोड़ 140 रॉकेट दागे। ये हमला तब हुआ जब हिजबुल्ला के चीफ नसरल्ला ने इसराइल से बदला लेने की कसम खाई थी। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।